दिन सुबह 3 बजे अपना यस सदन टीएस लिमिट्स में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ। उसका क्राइम नंबर है 281/23 अंडर सेक्शन 302 148 201 रेड विद 149 एंड ऑल्सो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हुआ। इसमें डिसीज्ड का डिटेल्स मोहम्मद तारिक 39 ईयर्स ओल्ड है, ऑक्यूपेशन रियल एस्टेट। उसमें हमें सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किया और जो भी टेक्निकल डाटा मिला वो भी एनालाइज करके इसमें 8 लोगों को अप्रेंट किया हमने। इसमें 7 लोग जो इन्वॉल्व हुआ उसमें मर्डर में इन्वॉल्व हुआ और एक बंदा मनेगोड़ा का रेजिडेंट है, वो स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 201 में इसको इंक्लूड किया। मेन मोटिव, ये मर्डर का मेन मोटिव है, ये जो भी अक्यूज है इसमें A1 छोटू ये PDS राइस का बिजनेस करते, बाकी जो भी अक्यूज्ड A2 to A6 ये लोग भी पूरा उसको जो भी मटेरियल मतलब कलेक्ट करके उसको बल्क में देते, वो आपस में छोटू A1 बीदर में PDS राइस का बिजनेस करते। इसमें क्या हुआ, अपना डिसीज्ड तारिक अली इन लोन से मतलब मंथली वसूली टाइप में 1 लाख का डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो मैं मतलब पुलिस अथॉरिटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैं इन्फॉर्म करूंगा, तेरे पे केसेस बुक करवा दूंगा बोल के उसको धमकी दिया। ये एक इश्यू है, झगड़ा है इन लोगों के बीच में। और इसके अलावा अक्टूबर महीने में करमान घाट में एक सामा बार एंड रेस्टोरेंट में ये अक्यूज इसमें A1 और इन लोगों का गैंग दारू पीते टाइम पे दूसरे गैंग से झगड़ा हुआ, इसमें तारिक अली इन्वॉल्व होते मतलब 2 लाख अपना छोटू से लेके सेटलमेंट करने के लिए कोशिश किया, वो भी एक इशू इन दोनों के बीच में चल रहा था। तभी छोटू और जो भी ये अक्यूज्ड है प्लान करके अपना तारिक अली को एलिमिनेट करेंगे बोल के प्लान किया। और 18 ये 18th मतलब दिसंबर 18th के दिन रात में सब लोग तारिक अली घर के बगल में अफरोज का घर है उसमें सब लोग मतलब पार्टी कर रहे, उस टाइम पे डिसाइड किया प्लान करके तारिक अली को मारेंगे बोल के। वहीं पे रिकी किया ये तीन बाइक्स में रिकी करके ये 7 लोग इन्वॉल्व हो गए, उसको मतलब चार चाकू से मारा इन लोगों को। उसके बाद ये लोग मतलब मनेगुड़ा बाग के गए, वहाँ पे छोटू का एक रिश्तेदार है वहाँ पे उसको मतलब शेल्टर दिया वहाँ पे जो भी ये सीन में कपड़े यूज़ किए उसको जला दिया ताकि पुलिस वाले मतलब ये ब्लड स्टेंस का कपड़े पकड़ ना सके बोल के। सो उसको भी हमने 201 IPC में उसको इन्वॉल्व किया। इसमें पूरा अभी सीज्ड में इसमें 4 चाकू को सीज किया और 5 मोबाइल फोन चाहिए अक्यूज का और 2-3 मोटर बाइक्स जो भी मतलब अपना सीन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व किया इन लोगों को पूरा हमने सीज किया। और ये तारिक अली डिसीज के ऊपर भी मतलब 2 मर्डर केसेस है, एक रेन बाजार PS लिमिट्स में है और एक अब्दुल्लापुर में PS लिमिट्स में है, दोनों भी मतलब ट्रायल पे चल रहा था। वही मतलब ये मर्डर का मेन रीज़न है दोनों का, मतलब PDS वाइज का एक इश्यू चल रहा था और बीच में अक्टूबर का भी जो भी मतलब झगड़ा हुआ उसमें सेटलमेंट के लिए ये 2 लाख लिया था। ये मोटिव है बिहाइंड द मर्डर केस। सर लोग अरेस्ट हुए या सर सरेंडर हुए? अरेस्ट किया हमने। ये बच्चों का इसमें एक जन के ऊपर 307 केस है अटेम्प्ट मर्डर, ये संतोष नगर लिमिट्स में वो गैंग वॉर जैसा टाइप है। बाकी लोगों का A1 to A7 में PDS राइस का कुछ केसेस है, मतलब मेजर ग्रेव केसेस तो नहीं है, PDS राइजेस का ये लोग बिजनेस कर रहे हैं ना उसका कंप्लेंट में हम लोग संतोष नगर ISSM PS लिमिट्स में केसेस बुक किए, बाकी ग्रेव केसेस नहीं है। सर इसमें सिर्फ 8 लोग ही इन्वॉल्व है या कोई और भी है? अब तक जो भी मतलब एविडेंस मिला 8 लोगों का हमने कंफर्म किया, अगर कुछ मतलब क्लूज और बाकी एविडेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन मिले तो बाकी लोगों को भी इंक्लूड करके वो लोगों को भी हम रिमांड करते हैं। नहीं वो एंगल में भी हम मतलब इन्वेस्टिगेट किया, अब तक तो मतलब ऐसा कॉरोबरेटिव एविडेंस कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको क्लीन चिट नहीं दिया हमने, अगर कुछ एविडेंसेस प्रॉपर एविडेंसेस मिले तो डेफिनेटली विल रिमाइंड हिम ऑल्सो। थैंक यू।